बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ, रोजगार की मांग को लेकर देश के कोने कोने से आए हुए नौजवानों को AIDYO के दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, आज देश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में है। आप जानते हैं कि विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार के तरफ से खाली पड़े हुए पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। AIDYO के तरफ से पिछले एक साल से इस मुद्दे को लेकर सभी राज्यों में लगातार एक आंदोलन चलाया जा रहा है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से सिग्नेचर इकट्ठा किया, लाखों की संख्या में हमने चार मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर दिया। सभी राज्य की राजधानी में राज्यपाल के जरिए प्राइम मिनिस्टर को हमने हस्ताक्षर भिजवाया। जो मांगे हमारी है, एक तो ये कि लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उनको तुरंत भरा जाए। दूसरा, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सभी पदों को परमानेंट किया जाए। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए और सभी बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक जीवन जीने लायक पर्याप्त बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इन मांगों को लेकर AIDYO पूरे देश में आंदोलन चला रही है और आज हम लोग यहाँ पर संसद पर इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने पिछले साल के सितंबर और अक्टूबर में एक प्रदर्शन किया था इसी जंतर मंतर पर और सरकार को हस्ताक्षर सौंपे थे। सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। तभी हम लोगों ने कहा था कि सरकार अगर जो हम लोग हस्ताक्षर सौंप रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग संसद मार्च करेंगे। और आज हम लोग पूरे देश से संसद पर इकट्ठा हुए हैं इन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए। साथियों, आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने अपने जान को निछावर किया था ताकि देश के लोगों को समस्याएं ना झेलनी पड़े। AIDYO के तरफ से हम लोग महान क्रांतिकारी और शहीदों के विचारों को के आधार पर समाज की समस्याओं के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी मैं आज की सभा के अध्यक्ष ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रावण जनप्पा हलदली।